फरार सट्टा किंग मोनू मेहता की तलाश में पुलिस ने गुरुवार को फिर से दबिश दी। इस बार एसडीओपी पुष्पा प्रजापति के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। एसडीओपी ने बताया कि मोनू मेहता के यहां से दबिश वाली रात पीछे के रास्ते से कुछ सामान बाहर गया था। पूछताछ में पता चला है कि तकरीबन 20 लीटर केमिकल बड़नगर रोड स्थित कान्हा रघुवंशी नाम के व्यक्ति के गोडाउन पर ले जाया गया था। इसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जब्ती में लिया है। यहां आपको बता दे कि सट्टा किंग मोनू मेहता की चांदी रिफाइनरी फैक्ट्री की भी जानकारी पुलिस को मिली है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगभग 2 क्विंटल चांदी पुलिस ने सीज की है। इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी गई है। फरार मोनू मेहता की अन्य अवैध संपत्ति की जांच जारी है। इसके संबंध में भी पुलिस को सुराग हाथ लगे हैं। मुखबिर से हमें सूचना मिली थी, दिन दबिश हुई थी, उसी दिन इसने इसके यहाँ से कुछ सामान पीछे के दरवाजे से बाहर गया है। इसमें हमने पूछताछ की तो यह पाया गया है कि कुछ 20 लीटर की एक कैन लगभग रखा है, उसमें कुछ केमिकल भर के इन्हें बाहर डिप्लॉय किया है। 10-15 कैने यहाँ से खतरों से बाहर मड़ावदा के पास एक गोडाउन में प्राप्त हुई है और ड्राइवर के मेमो पे अभी और जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि इसी प्रकार की कैने और हो सकती है जो वहाँ मोनू मेहता के गोडाउन में रखी हुई है। इस केमिकल की जांच करवा के इस पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी कि केमिकल क्या है।